हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए कि ये साइलेंट किलर एडिटोरियल आया है, मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट है। इंडिया मस्ट गेट मोर पीपल टू कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल। तो ये आपका है साइलेंट किलर, जहाँ तक हेडिंग से समझ में आ रहा है मुझको। ग्लोबली हाइपरटेंशन अफेक्ट्स 1 in 3 इंडिविजुअल। देखिए 1 in 3 इंडिविजुअल एंड 4 out of 5 डू नॉट हैव इट एडिक्वेटली कंट्रोल्ड, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑन हाइपर टेंशन रिलीज ऑन सेप्टेम्बर 19। तो ये WHO ने पहला रिपोर्ट निकाला है हाइपर टेंशन के ऊपर, और उससे हमें ये पता चल रहा है 1 in 3 को है और 4 out of 5 कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, इट इज़ अ ग्रीम रिमाइंडर दैट कंट्रीज हैव डन लिटिल टू कीप द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर ऑफ फॉर डेथ एंड डिसेबिलिटी अंडर चेक, डिस्पाइट द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इनएक्सपेंसिव मेडिसिन। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर ओवर दैट इज ये 140/90 इज अ मेन रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस सच एज हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स। तो अगर इसके ऊपर आपका ब्लड प्रेशर जाता है तो आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक आ सकते हैं, एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिजीज एंड डेथ। तो ये मोस्ट कॉमन तरीका है मरने का, आप देखिए। फिर भी हमारे यहाँ पे सस्ती दवा है, हमारे पास सस्ता इलाज है, इनएक्सपेंसिव बता रहे हैं, जो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, फिर भी हम लोग इसको चेक में नहीं रखे और इसको हमने एक रिस्क फैक्टर बनने दे दिया बड़ा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद हाइपर टेंशन डू नॉट बिगिन एट ओवर 140/90, इंस्टेड दे ऑपरेट इन अ कंटिनम इवन बिलो वॉट इज क्लासिफाइड एज क्लिनिकल हाइपर टेंशन। तो जरूरी नहीं है इस पॉइंट पर ही वो हो रहा है, वो इससे नीचे पॉइंट पे भी हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल हाइपरटेंशन, स्पेशली इन पीपल हु आर डायबिटिक, ओबीज एंड दोज हु कंज्यूम टोबैको एंड अल्कोहल। तो ये देखिए, ऐसे लोग जो ओबीज हैं, मोटे हैं, टोबैको कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनके में 140 और 90 जो है, ये लेवल भी हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है, उसके नीचे से ही इसका मामला ख़राब शुरू हो जाता है। हैंस रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन लेवल्स इज़ अ पॉपुलेशन अंडर एस्टिमेट द क्यूमुलेटिव रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। इन द WHO रिपोर्ट डेट लाइज ऑन 2019 डेटा, 188 million इंडियन अडल्ट एज 30 to 79 ईयर हैव हाइपर टेंशन। ऑफ देम द कंडीशन हैज़ बिन डायग्नोज ओनली इन 37%। 30% आर ट्रीटेड एंड मेयर 15% ऑफ पीपल हु हैव हाइपर टेंशन अंडर कंट्रोल। वुमेन अपियर टू बी मार्जिनली बेटर देन मैन इन हैविंग द कंडीशन डायग्नोज ट्रीटेड एंड कंट्रोल। तो भैया चलो, इक्वालिटी चाहिए था, कहीं तो ऊपर है वुमेन। बेस्ड ऑन स्केची डेटा फ्रॉम पार्ट ऑफ इंडिया, स्ट्रोक इंसिडेंस वॉज फाउंड टू बी 108/172 पर इतना। आप देखिए, इतना इसका स्ट्रोक डेटा हो रहा है पर ईयर, एंड द 1 month केस फैटेलिटी रेट वॉज 18 to 42%। मतलब 1 month केस फैटेलिटी रेट मतलब कितनों को हो रहा है और कितने मतलब ख़त्म हो जा रहे हैं उसमें। तो ये उसका है एज पर फेब 2022 स्टडी। इन द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट इन 2019, हार्ट अटैक वॉज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एंड डिसबिलिटी इन इंडिया। तो आप देख रहे हैं, हार्ट अटैक इस रिपोर्ट में भी बता दिया गया कि ये रिपोर्ट हो गया। ठीक है, स्टडीज हैव शोन दैट द एक्सेस सॉल्ट कंजम्पशन ओवर 5 ग्राम अ डे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 17 to 30% ऑफ हाइपर टेंशन। तो ज़्यादा सॉल्ट कंजम्पशन नहीं करना है, 5 ग्राम से ज़्यादा एक अडल्ट को नहीं लेना है। आप देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर 17 to 30% ऑफ हाइपर टेंशन, वाइल मेंबर स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू अचीव 30% ऑफ रिलेटिव रिडक्शन इन मीन पॉपुलेशन इनटेक ऑफ सॉल्ट बाय 2025। इंडिया इज येट टू इम्प्लीमेंट मेनी कॉम्पोनेंट्स ऑफ WHO प्रिस्क्रिप्शन टू कट डाउन सॉल्ट इनटेक। अ स्टडी इन 4 इंडियन स्टेट्स पब्लिश्ड इन 2021 फाउंड हाई सॉल्ट एंड शुगर कंटेंट इन पैकेज फूड आइटम। इसीलिए बोला जाता है कि जो पैक हुआ आपका फूड आइटम है, प्लास्टिक पैक, उसको मत खाओ, पर घर वालों की बात कौन सुनेगा। मेकिंग फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग मैंडेटरी, इंकरेजिंग रिफॉर्मुलेशन ऑफ फूड टू कट डाउन सॉल्ट एंड रेजिंग अवेयरनेस इन पीपल टू रिड्यूस सॉल्ट इनटेक शुड बी अर्जेंटली अंडरटेकन। तो यहाँ पे यही बात हो रहा है कि फूड लेबलिंग के ऊपर आप क्या क्या है अच्छे से बताइए और लोगों में अवेयरनेस फैलाइए। देखिए, मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है,
कोई भी लॉ आए, कोई भी कुछ हो, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अवेयरनेस। लोगों को बताओ कि भाई ये खराब है, उसके बाद उनको डिसाइड करने दो। वो लोग कुछ करे ना करे, आप उनको डिसाइड करने दो, पर उनके अंदर ये अवेयरनेस फैलाओ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसके बाद आपकी जो भी पॉलिसी होगी, वो आप कंपनीज के साथ या कुछ भी आप पॉलिसी निकालो, वो इसके बाद काम करेगी। नहीं तो अगर मानो आप पॉलिसी निकाल दिए, मैं तो घर में खाऊंगा, उससे मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है और मेरे जैसे कितने लोग होंगे। तो सबसे पहले ये अवेयरनेस लोगों में फैलाओ, फिर आप शायद पॉलिसी ना भी लाओ ना, तब भी वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए। इम्प्लीमेंट क्या मतलब, उसके बाद भी लोग अच्छे से रहें। इंडिया हैज़ हाउएवर डन वेल इन इम्प्रूविंग ब्लड प्रेशर कंट्रोल इन पीपल विथ हाइपर टेंशन थ्रू द नोवेल इंडिया हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। तो आप एक ही इनिशिएटिव इंडिया का याद रखिए, नोवेल इंडिया हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, नोवेल इंडिया हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव लॉन्च इन 2018। द IHCI हैज सक्सेसफुली इनरोल्ड 5.8 मिलियन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स फॉर ट्रीटमेंट इन 27 स्टेट्स एज ऑफ जून 2023। मतलब जून 2023 तक इतने लोग अभी तक उसमें आ चुके हैं ट्रीटमेंट के लिए। इंपॉर्टेंटली 48% ऑफ पेशेंट्स इनरोल्ड एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड 55% एट हेल्थ वेलनेस सेंटर्स अचीव ब्लड प्रेशर कंट्रोल एज ऑफ मार्च 2021। इट इज़ नाउ इम्पॉर्टेंट टू ग्रेटली इंक्रीज द नंबर ऑफ हाइपर टेंसिव पीपल ऑन ट्रीटमेंट एंड कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल। अब देखिए इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है। सबसे पहले तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये WHO का फर्स्ट रिपोर्ट जो आया है, फर्स्ट रिपोर्ट ऑन हाइपर टेंशन जो इस सेप्टेम्बर आया है, ठीक है। अब उस रिपोर्ट में क्या दिया है, वन आउट ऑफ थ्री इन लोगों को हाइपर टेंशन है, ठीक है, एंड फोर आउट ऑफ फाइव डू नॉट हैव एडिक्वेटली कंट्रोल्ड। फोर आउट ऑफ फाइव का ये कंट्रोल नहीं है अच्छे से, ठीक है। अब देखिए अपने पास इनएक्सपेंसिव मेडिसिन सही है, हमने देख लिया। ये ब्लड प्रेशर ओवर कितना है आपका, 140/90 अगर आप देखो तो ये एक लेवल है, पर ओबीज लोगों में, ठीक है, और डायबिटिक लोगों में, ठीक है, और आप देखिए किसमें, जो टोबैको कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, इन लोगों में ये लेवल उसके नीचे ही आ जाता है। तो ये बिलो 140/90 हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल हाइपरटेंशन, ठीक है, ये इस कंडीशन में। तो आप इसका प्लीज़ वेट मत करिए, अगर आप इनमें से कुछ भी, आप ओबीज है, आपको डायबिटिक्स है, टोबैको आप लेते हैं, आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो इस ये पॉइंट आने का आप वेट मत करिए। उसके बाद आप देखिए WHO का एक रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, 2019 डेटा के ऊपर वो है, ठीक है, 37% आप देखिए डायग्नोज हुए हैं, 30% ट्रीट हुए हैं, और वुमेन यहाँ पे सेफ हैं, हर जगह सेफ हैं। 1 month केस फैटलिटी, इसमें आप देखिए केस फैटलिटी ज़्यादा है। अब आप देखिए ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट 2019, ये आपका एक, ये भी एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट हो जाता है आपका, जिसमें ये सारे डेटा दिए गए हैं। अब आप देखिए यहाँ पे सॉल्ट कंजम्पशन, ठीक है, आप देखिए मतलब सॉल्ट कंजम्पशन बोला जा रहा है 5 ग्राम से कम अ डे, मतलब 5 ग्राम से कम पर डे आप रखिए यहाँ पर, ठीक है, और यही कॉज है मेन हाइपरटेंशन का। इसके ऊपर अभी इंडिया में कोई चीज़ नहीं आया है जिससे आप फूड पैकेज आइटम का वर्ड, कोई चीज़ नहीं आया है, मतलब कोई पॉलिसी नहीं आई है WHO की। तो आप यहाँ पे फूड पैकेज जो पैक्ड रहते हैं उनको अवॉइड करिए, ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल में अपना बिलीव रखिए पीपल, लोगों में, अगर आपको, चलिए आपको पता है, आपने वीडियो सुना, तो लोगों को भी अवेयर करिए, खुद बता दीजिए, बोल दीजिए वीडियो देख ले, कुछ भी करें, पर ख्याल रखें, बात यहाँ पे मेन ये है। और आप देखिए इतने लोग इस प्रोग्राम में अपने IHCI जो है नोवेल इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, इतने लोग यहाँ पे इनरोल हुए थे 27 स्टेट्स से, इतने पेशेंट आपके प्राइमरी सेंटर में, इतने पेशेंट आपके हेल्थ वेलनेस सेंटर में, सारे क्योर हो चुके हैं। तो ऐसे इंडिया में और इनिशिएटिव होने चाहिए IHCI जैसे। तो हमारे इस आर्टिकल में बस इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, और प्लीज़ आप लोग ख्याल रखिए, ज़्यादा नमक मत खाइए खाने में, पैक्ड फूड आइटम मत लीजिए। तो बस यही था इस आर्टिकल में हमारे लिए, एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।